गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे जिसे हम नाम देते हैं स्मॉल फ्रैक्शन। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक कंसंट्रेशन टर्म फाइंड आउट करना सीखी थी जिसे हम मास परसेंटेज कह रहे थे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन हमने देखे। आज हम बात करेंगे मॉल फ्रैक्शन की। देखो, मॉल फ्रैक्शन यानी कि मॉल्स यहाँ पर आपको पहले कैलकुलेट करने होंगे इस कंसंट्रेशन टर्म तक जाना है तो। मास परसेंटेज में आप मास से अपना काम चला सकते थे, मास आपके पास है तो आपको मोल्स तक जाने की जरूरत नहीं थी। उसी से आपने अपनी नई अपनी कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज फाइंड आउट करना सीखी। यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन होता क्या है। इट इज द रेशो। क्या है मोल फ्रैक्शन? एक रेशो है किस किस के बीच में ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट या कोई भी कंपोनेंट उसके, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। किस किस का रेशियो है? टोटल नंबर रेशियो है बिटवीन द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स और किसके बीच में, टोटल मोल्स यानी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट है उनके टोटल मोल्स के बीच में जो रेशियो हम देखते हैं वही कहलाता है मोल फ्रैक्शन। ओके, देखो जैसे समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल है, इफ ए इज डिजोल्व इन बी, ए लिया आपने उसको बी में डिजोल्व कर दिया, ए आपका सॉल्यूट हो गया बी आपका सॉल्वेंट हो गया, एंड देयर मॉल्स आर एन ए, मॉल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, एन ए यानी ए के मॉल्स एंड एन बी यानी बी के मॉल्स रिस्पेक्टिवली, देन मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो फिर ए का मॉल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? देखो मॉल फ्रैक्शन के लिए पहले फॉर्मूला लिख लो, जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मॉल फ्रैक्शन को, इस तरह से बड़ा एक्स बना देते हैं, जीटा इसे कहते हैं मॉल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मॉल फ्रैक्शन हमने डेफिनेशन देखी, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या निकल कर आया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट या जो भी आपको दिया हुआ है कंपोनेंट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मोल्स का जो रेशियो है वही हमारा क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन, जीटा से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको जो एग्जांपल दिया है उसमें आपको ए का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जीटा ए, यहाँ पर जीटा मोल फ्रैक्शन को बता रहा है और ए किसको बता रहा है, ए के मोल फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो यानी ए के लिए जो मोल है वो ऊपर रखोगे, नीचे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, यानी आपके सॉल्यूशन में ये दोनों प्रेजेंट है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन देखो उससे और समझ में आता है हमें, यहाँ एक क्वेश्चन गिवन है, 40 ग्राम NaOH प्लस 54 ग्राम वाटर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, आपको मास दे दिया है, ठीक है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, NaOH के मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड आउट करने हैं, यानी पहले तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसके पूछ रहे हैं अपॉन मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो आपको यहाँ पर मास दिया है इससे आपको मोल्स तक पहुंचना है। मोल्स के लिए फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बहुत अच्छे से हमने सीखा है, मास अपॉन मोलर मास, तो सबसे पहले NaOH का मोल निकालो, फिर टोटल मोल्स के लिए आपको NaOH के साथ साथ वाटर के मोल भी चाहिए, दोनों के मोल निकालने हैं, तो सबसे पहले देखो जीटा ऑफ NaOH, NaOH का मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ NaOH निकालो 40, इसका ग्राम में वेट दिया हुआ है 40 और इसका मोलर मास निकालोगे NaOH का, Na के लिए 23 ग्राम या MU होता है, 16 फोर ऑक्सीजन एंड 1 फोर हाइड्रोजन। ओके, तो टोटल 40 हो गया, 40 अपॉन 40 यानी 1 मोल, 40 ग्राम NaOH दिया यानी कि 1 मोल उसमें हमें दिए हैं। यह मोल्स ऑफ H2O देखो 54 ग्राम दिया हुआ है, वाटर के लिए हम मोलर मास 18 निकालते हैं, बार बार हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल 3 मोल्स आ गए हमारे पास, क्लियर। तो अब देखो मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूला में डाल दो, NaOH का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो 1 मोल है NaOH का प्रेजेंट हमारे पास और टोटल सोल्यूशन का मोल 1+3 यानी 1/4, तो जीटा NaOH यानी NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4, क्लियर। अब एक चीज ध्यान में रखो कि किसी भी मिक्सचर में किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का जो समेशन है वो 1 के इक्वल होता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम उस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, नोट डाउन करो इसे, देखो यहां लिख लो, नोट डालकर लिख लीजिए, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन
ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन इज इक्वल टू द वन. जिसमें भी आपके पास कंपोनेंट प्रेजेंट है ना सोल्यूशन में, फिर चाहे सोल्यूट हो बहुत सारे, एक सॉल्वेंट हो, उन सबके मोल फ्रैक्शन का समेशन आप करोगे तो वन के इक्वल आएगा. अब देखो इस चीज को हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगी. जैसे हमने यहाँ पर देखो एनिमल्स का मोल फ्रैक्शन 1/4 निकाल लिया. अब हमसे पूछे वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी. क्या कर लोगे आप, जब सारे के सारे कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, समेशन उसका वन के इक्वल होता है, तो यहाँ पर वन आप वन में से 1/4 माइनस कर दो, NaOH के मोल फ्रैक्शन माइनस कर दो, तो आपके पास वाटर के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना. ये हमारी दूसरी कंसेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन जो फिनिश होती है. अब दो कंसेंट्रेशन टर्म आपके बच रहे हैं, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मोलरिटी और मोलैलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आएंगे. आप इन्हें देखो, इन पर बेस्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में, और नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम. ओके, कीप स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग.